आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के फोर्थ चैप्टर यानी उत्सर्जन का ऑब्जेक्टिव। आपको हम तीन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं, हम लोग आज उत्सर्जन का ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क यानी किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी किडनी यानी वृक्क किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो देखिए, किडनी से उत्सर्जन होता है, पेशाब ये सब उत्सर्जित पदार्थ निकलता है, यानी उत्सर्जन से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव में डायलिसिस थैली होता है, ये डायलिसिस का मतलब होता है छानने का काम कौन करता है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कौन है? तो नेफ्रॉन छानने का काम करते हैं, डायलिसिस का करता है, और न्यूरॉन जो होता है इसे ब्रेन में तंत्रिका कोष का होता है। इस कंफ्यूजन को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? देखिए, किडनी के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, इसका आंसर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? अभी तो क्वेश्चन पूछा कि वृक्क जो होता है किससे, तो उत्सर्जन से संबंधित हो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रश्न कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है गोल, टैनिन, रेजिन, इनमें से सभी? तो देखिए, पौधों में इस तीनों के तीनों उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कचरा का उत्सर्जन करता है, यानी नाइट्रोजनी पदार्थ यानी जो कचरा होता है से सजीव जीवधारियों में किस प्रकार के करता है? अमोनिया, यूरिक अम्ल या यूरिया, इनमें से सभी? देखिए, जीव जो होते हैं ना, देखिए हम लोग यूरिया निकालते हैं और जलीय जीव अमोनिया निकालते हैं और यूरिक अम्ल भी निकालते हैं, ठीक है, तो यानी इनमें से सभी होगा, क्योंकि सब के सब जीव लोग उत्सर्जी पदार्थ के रूप में निकालते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है? देखिए, उत्सर्जी अंग की बात की जाए तो हम लोग के शरीर के अंदर पांच प्रकार के उत्सर्जी अंग होता है, जिसमें मुख होता है किडनी यानी वृक्क होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? यानी प्रोटोजोआ क्या प्रकार, एक प्रकार के एक कोशिकीय जीव होता है, और एक कोशिकीय कोई भी रहेगा जीव उसमें उत्सर्जी पदार्थ कोई भी प्रक्रिया जनन छोड़ करके, चाहे पोषण की बात कीजिए, श्वसन की बात कीजिए, परिवहन की बात कीजिए, उत्सर्जन की बात कीजिए, सब के सब विसरण के द्वारा होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। मानव गुर्दे का आकार होता है गोलाकार, आयताकार, सेम के बीच के आकार, इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग को पता होगा, दिखाया गया भी होगा कि गुर्दा जो होता है यानी किडनी जो होता है सेम के बीच के आकार का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न के निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? हेट्रोक्राइन यरवा इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी जो होता है मिश्रित ग्रंथि होता है। क्या होता है? मिश्रित ग्रंथि। तो आप लोग पढ़े कि मिश्रित ग्रंथि कौन होता है, तो अग्नाशय जो होता है से मिश्रित ग्रंथि होता है। इसमें ऑप्शन में अग्नाशय है, इसमें पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत, वृषण, थायराइड ग्रंथि। तो इसमें यार गलती से मिस्टेक हो गया, अग्नाशय इसका आंसर होना चाहिए था, यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो मानव मूत्र में यूरिया 2% यूरिया होती है, ठीक है। प्रश्न है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है? यानी जो कृत्रिम वृक्क होता है यानी मानव निर्मित किडनी जो होता है से किन बेकार पदार्थों को रक्त में अपोहन का द्वारा पृथक करता है, मतलब अपोहन मतलब डायलिसिस विधि द्वारा अलग करता है? तो देखिए, नाइट्रोजनी पदार्थ को हमें खाली करता है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन हमें जरूरी होता है, नाइट्रोजनी पदार्थ हमारे लिए बहुत ज्यादा कचरा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? हालांकि क्वेश्चन जो है पोषण से है, ये उत्सर्जन वाला चैप्टर से नहीं होना चाहिए। छोटी आंत में ना दोस्तों, तीनों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों का पूर्ण पाचन होता है, यानी इसमें आंसर क्या होगा? छोटी आंत आंसर हो जाएगा। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो देखिए, मूत्र का जो पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण होता है, लेकिन लैट्रिन का पीला कलर जो होता है इसे बिलरुबिन के कारण होता है। किसके कारण? बिलरुबिन। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है आपको, ठीक है जी। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, मतलब जो किडनी से जो मूत्र उत्पादित होता है वो अस्थायी रूप से, मतलब हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए कहाँ पर जमा रहता है, संग्रहित रहता है? तो इसमें मूत्र मार्ग में, मूत्र वाहिनी में, वृकाणु में, निमूत्राशय में, तो मूत्राशय में रहता है। तो देखिए, इसमें करीब करीब 16 का ऑब्जेक्टिव पूछा था। अब हम लोग मिलेंगे अगला बायोलॉजी के।